वेदांत अगर एक पंक्ति में कहना हो, वेद की बात एक ही पंक्ति में बतानी हो, तो ऐसे कही जा सकती है कि एक ही परमात्मा सभी रूपों में विस्तृत है, कुछ एक ही तत्व सब जगह व्यापक है, कोई एक ही है जो अनेक है, कोई एक ही है जो सब रूपों में है, कोई एक है जो इतना विविध विचित्र बहुरूप अनेक रूप होकर नाना रूप होकर भिन्न भिन्न होकर विभिन्न होकर एक ही है जो अनेक हो गया। अरे कौन है जिसने फूलों में रंग भरे हैं, वो कौन है जिसने उसने फूलों में सौकर्यता सौरस्यता सौरभ्यता गंध सुगंध मकरंद मधुर मधु उसमें एक अलग दीप्ति कांति अलग तरीके की आभा प्रभा शोभा सुंदरता भर दी है, वो कौन है? वो गंध सुगंध बनकर स्वयं ईश्वरी है। वो कौन है जो जल की गीलेपन में आर्द्रता में तृषा के अंत में प्यास को बिटाने के लिए जो तृप्ति है, जल की तृप्ति में स्वयं परमात्मा है, अन्न की पुष्टि में स्वयं ईश्वर है, धरा की गंध में इसका इसकी विचित्रता तो देखो, एक छोटे से आंगन में एक छोटी सी जगह वहीं से करेला पैदा कर लो, गन्ना पैदा कर लो। करेला पता नहीं कैसा है आप जानते, गन्ना जानते मीठा, अन्न उगा लीजिए वहां से, फल उगा लीजिए, शाक भाजी तरकारी उगा लीजिए। हमने तो गांव का जीवन भी देखा है, नगरों का भी, तो वहां छोटी सी जगह किचन गार्डन देखे हैं गांवों में, किस तरह से वो लटकती हुई लताओं पर बेल हैं, कद्दू हैं, सेम फलियां हैं, फूल हैं। गांव के लोग थोड़ी जुगाड़ अपने घर के आंगन में ही कर लेते हैं, घर में ही उनकी किचन गार्डन देखिए कैसी गंध है, किसने भर दी वो गंध, ये कहां से आया प्रकाश। कई बार गुरु चेले से बहुत पूछते रहते हैं, बहुत टोका टाकी करते हैं कई गुरु, और ज्यादा टोका टाकी से चेले बड़े परेशान हो जाते हैं, बहुत सिखाना चाहते हैं कई गुरु, तो अब एक शिष्य को बुलाया, दारा तुझे आज ज्ञान देना है और आज ही ज्ञान देना है और अभी ज्ञान देना है। दीपक जलाकर पूछा शिष्य से, ये दीपक इसमें आया है अभी प्रकाश, बता प्रकाश कहां से आया है। ये दीपक मैंने अभी जलाया, तेरे सामने प्रकाश पैदा हो गया, बता कहां से आया प्रकाश। चेले को बहुत दिनों की झुंझलाहट थी, तो चेले ने दीपक बुझा दिया और कहने लगा, गुरुजी ये कहां चला गया ये बता दीजिए। ये गया कहां? अब कुछ तो कह नहीं सकता था, गुरु को क्या बोले, गुरु बड़े कठोर। अरे भाई ढंग से समझाइए, कठोरता के साथ नहीं। शिष्य को भय लगे ऐसा मत समझाओ, और अपने और उसके बीच में बहुत दूरी मत खड़ी कर दो, उसे रोज महानता की कसीदे मत पढ़ के बताओ कि मैं कुछ ज्यादा महान हूं श्रेष्ठ हूं जय हूं तुझसे बड़ा हूं और तू चेला है, तू चेला है और मैं गुरु हूं। डिस्टेंस मत बनाइए, नहीं तो सीखेगा ही नहीं। उसे प्रेम करो, उसके हृदय को जीतो, उसे विश्वास पैदा करो, वो ये समझ सके कि आप उसके हैं, आप उसे भयभीत नहीं करेंगे। तो बहुत कठोर गुरु ने एक दीपक जलाकर पूछा शिष्य से, अरे बता ये प्रकाश कहां से आया। उसे तो बहुत दिनों की झुंझलाहट थी, और उसने दीपक बुझा दिया, बोले गुरुजी ये तो बात सही है, ये कहां से आया ये तो मैं नहीं जानता, पर मैं आपसे प्रश्न करता हूं, अब ये कहां चला गया, ये प्रकाश अब कहां गया। तो गुरुजी ने उसको प्यार से समझाया, बोले बेटा ये जहां से आया था ना वहीं चला गया,
ये जहां से आया था, अमर कहां से आया था, ये आया कहां से था? तो गुरु ने कहा कि ये सब जगह है, उद्यम करने से प्रकट हो जाता है, ये तो है। कहां कहां है? बोले सभी जगह है, ये तो प्रकाश तो हर जगह है, उद्यम करने से प्रकट हो जाता है। उद्यम क्या? बोले देख, हमने दिया रखा, दिए में तेल रखा, तेल में फिर बाती रखी, और फिर हमने दिया सलाई से ऐसे स्पार्क किया एक चिंगारी, और उस चिंगारी से देख प्रकाश आ गया था। सभी जगह है ये तो, हर जगह है। कहां? हर जगह है।